पीथमपुर के समीप महू के गोकुलगंज में जयदीप सिंह रिटायर्ड सैन्य कर्मी का इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर टीवी रिपेयरिंग की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार पर ताबड़तोड़ चार फायर कर दिए। सैन्य कर्मी रिटायर्ड पिछले दो महीने से अपनी टीवी रिपेयर होने के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल पर पड़ी थी, जो सुधर नहीं पा रही थी। आज उसी टीवी रिपेयर की बात को लेकर जयदीप सैन्य कर्मी इलेक्ट्रिकल नीलेश अग्रवाल से फोन पर कान्हा सुनी हुई, कुछ देर बाद दुकान पर पहुंचा और ताबड़तोड़ दुकानदार पर चार फायर कर दिया, जिससे नीलेश अग्रवाल गर्ग को एक आंख और दूसरी गोली गले में लगी। युवक को परिजनों ने महू के निजी अस्पताल मेवाड़ा लेकर गए, जहां उपचार के दौरान नीलेश अग्रवाल की मौत हो गई। महू एएसपी शशिकांत कनकने के पास कुछ ही देर में आरोपी जयदीप सिंह एसपी ऑफिस पर आकर खुद को सरेंडर कर दिया। हालांकि एएसपी ने महू थाने में आरोपी को भिजवा दिया है, पुलिस जांच कर रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। नीलेश अग्रवाल जी है, इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयरिंग का कार्य है, उसमें एक जयदीप सिंह परिवार जो आर्मी से रिटायर्ड है, 19 साल की इन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, वो जो है उन्होंने अपना एक टीवी जो था वो इनके पास रिपेयरिंग के लिए डाला था नीलेश जी के वहाँ लगभग दो महीने से, क्योंकि ये बताया है नीलेश जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए वो समय पे उनका टीवी रिपेयर नहीं कर पाए। आज वो जो है जयदीप सिंह जो है अपना टीवी लेने के लिए आए, तो उसी पे इन दोनों की कुछ हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद फिर जो है जयदीप ने जो है अपने लाइसेंसी रिवाल्वर है उससे उसने गोली चालन किया, उसने कुल 5 गोली चलाई, जो दो गोली जो है उनको जो है नीलेश को लगी है। और उसके बाद जैसी सूचना मिली तो नीलेश को मेवाड़ अस्पताल ले गए थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई नीलेश जी की। अब पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है, FIR ले रहे हैं। आरोपी ने स्वयं एडिशनल SP ऑफिस में जाके आत्मसमर्पण किया और अपना वेपन भी उन्होंने हमें जब्त करवा दिया। अब आरोपी को अभी हिरासत में, FIR होने के बाद गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।